हाय फ्रेंड, नमस्कार सभी का। फिर से वेलकम है चैनल थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लाइक एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड, अगर आप भी गूगल पे यूज़ करना चाहते हो, अगर आप भी गूगल पे यूज़ कर रहे हो, आपने इंस्टॉल कर लिया है, आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि आपको पता नहीं आपको किस तरह अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है, अगर आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिंक करना चाहते हो गूगल पे से बट उसमें आपको इशू आ रहे हैं, तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गूगल पे में तो मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल नहीं मिलता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बना के आपको पूरा हेल्प करूंगा, और जैसे भी हो सके मुझे कमेंट कर, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड, अगर आप गूगल पे न्यू यूज़र हो, आप जब भी जैसे इंस्टॉल किए हो, तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह आपको गूगल पे से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो जैसे आपने गूगल पे को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद आपको पहला इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आएगा। तो आपको क्या करना है, इधर आपका सेलफोन नंबर डालना है जो आपके बैंक से लिंक है। इंटर करने के बाद आपको आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप उसको नेक्स्ट करोगे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा जो आपके सेलफोन में चल रहा है, तो आपको वापस नेक्स्ट पे प्रेस करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे प्रेस करोगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली आपके सेलफोन से डिटेक्ट हो जाएगा, या आप उसको इंटर भी कर सकते हो। जैसे मुझे OTP आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है। ओके, ये स्टेप हो गया। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा, जैसे आप इसको स्क्रीन लॉक कर सकते हो या गूगल पिन डाल सकते हो। तो मैं इसको स्क्रीन लॉक कर लेता हूँ, आप भी इसको स्क्रीन लॉक कर लीजिएगा गूगल पे। जैसे भी आपको पिन डालना हो वैसे आप पिन डाल सकते हो। फिर मैं वापस कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, जो मेरा पिन और सेलेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड आप टॉप पे देख सकते हो मुझे जो ऑप्शन दिख रहा है ऐड बैंक अकाउंट। तो जैसे आपको अगर इस पर प्रॉब्लम फेस हो रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना है। और आपके बाद याद करना, जब आप प्रोसेस करोगे आपको सेलफोन में जो नेटवर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो आप ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ आपके सेलफोन में नेटवर्क प्रॉपर हो। उसके बाद फ्रेंड आपको अपना जो बैंक है, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक होगा उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो मेरा बैंक है उसका नाम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने इसको सर्च कर लिया तो यहाँ आपको अलाउ करना है, जो भी ऑप्शन आएगा आपको सबको अलाउ करना है, जिसको डिनाइड नहीं करना है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको जो ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करोगे आपके सेलफोन से एक मैसेज आएगा बैंक हो, उसके लिए आप एक चार्जेस भी कटेंगे। जैसे मेरे 1.50 पैसे जो है कट चुके हैं। ओके, तो यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर भी बैंक पार्टनर बैंक से वेरीफाई होगा, आपको एक मैसेज भी आएगा। फिर उसके बाद फाइंडिंग माई बैंक अकाउंट, तो फ्रेंड आपका जो बैंक अकाउंट है वो फाइंड होगा। तो मेरा जो एक बैंक अकाउंट है वो फाइंड आउट हो चुका है। तो अभी उस पर सेट UPI पिन, तो आपको UPI पिन सेट करना होगा, जो भी आप सेट कर सकते हो। UPI पिन सेट करने के बाद आपका पिन सेट हो जाएगा। तो मैं मुझे इधर इंटर UPI पिन, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं एक नॉर्मल सा डाल देता हूँ। आपको जो पिन सेट करना है वो सेट कर सकते हो। कन्फर्मिंग UPI पिन, ये UPI पिन कन्फर्म होने का मेरा जो UPI पिन है और जो मेरा गूगल अकाउंट है वो सेट हो जाएगा इस गूगल पे में, जैसे अकाउंट एडेड। तो आपको ये प्रोसेस करना है, इस तरह प्रोसेस कर सकते हो। ये प्रोसेस होने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पूरा आपका नाम इंटर करना होगा, जो भी आपका नाम हो। तो जो मेरा नाम है मैं उसको इंटर कर देता हूँ, टेक्निकल सुनील शर्मा, जैसे तो आपको पता है। फिर इसके बाद डन पे क्लिक करो, डन पे क्लिक करना, मैं उसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आपको इधर भी ऑप्शन आएगा, आपको उस पर ओके करना है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको इस पर अलाउ करना है और आपका जो गूगल पे है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ किसको पेमेंट भी कर सकते हो, और उसके बाद अपना ऑल ट्रांजेक्शन में यहाँ क्लिक करके ऑल ट्रांजेक्शन दे सकते हो, और आपका तो अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हो आपका ये UPI पिन डालने के बाद। ओके, और आपको यहाँ वीक में 2 बार आपको रिवॉर्ड आएंगे, ऑफर्स आएंगे, तो आप इसको ट्रांजेक्शन भी करते हो उसमें भी आपको पेमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद आप इससे रिचार्ज भी कर सकते हो, बस टिकट बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप पे बुकिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो गूगल पे से। ये प्रोसेस था। अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो गूगल पे में तो मुझे कमेंट करेगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।